आलू और प्याज की बढ़ी हुई तात्कालिक कीमतों के अंदर हमने मतदान होते हुए भी देखा और उसके बाद हमने ऐसे गूंगे। ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है मध्य प्रदेश के उज्जैन का, जहां पर निकाय चुनाव चल रहे हैं। 8 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बीजेपी की एक जनसभा में किस तरीके से कुर्सियां खाली पड़ी है। स्टेज पर 2-4 आदमी है, बाकी रोड खाली पड़ा है और जो कुर्सी बिछाई थी वो पूरी की पूरी खाली पड़ी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से यूपी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, योगी की रैली खालिया थी, कुर्सियां खालिया थी, वो सारी तस्वीरें आपने देखी, लेकिन उसके बाद भी ये लोग सत्ता में आ जाते हैं। अब ऐसा ही मामला है मध्य प्रदेश में। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कुर्सियां खाली पड़ी हैं, जनता का मुंह भंग हो चुका है। जिस तरीके से युवाओं को क्रोधित किया गया अग्निपथ लाकर, वहीं दूसरी तरफ जो एसएससी जीडी 2018 के छात्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब तो उन्होंने नागपुर से दिल्ली आने के लिए पैदल मार्च निकाला है, जिसमें कई छात्रों के पैरों में छाले पड़ चुके हैं। वो वीडियो हमने आपको कल दिखाया था, आज उसी वीडियो को राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। यह होती है मीडिया की ताकत। अगर आपके पास मीडिया होगा तो आपके मुद्दे उठेंगे, आपकी बात करने वाला होगा, लेकिन जब आपके पास मीडिया ही नहीं होगा तब आपके पास ना तो कोई माइक लेकर आएगा, ना ही आपकी कोई हालचाल पूछेगा और ना ही आपके रोजी रोजगार के लिए कोई बात करेगा। कल जिस तरीके से मध्य प्रदेश के गुनाई में आदिवासी महिला को जला दिया जाता है, उसकी खबर नहीं बनती, अखबार में एक छोटे से कॉलम में खबर छपती है, लेकिन हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के गुना में एक आदिवासी महिला की जगह पर कब्जा कर लिया गया। जब उसने विरोध किया तो जो गुंडे थे, जो जातिवादी लोग थे, उन्होंने उसको जिंदा जला दिया खेत में और उसकी वीडियो भी बनाई। तो आप अंदाजा लगा लिए। अब बात करते हैं, ये जो कुर्सियां खाली पड़ी है, 8 तारीख को मध्य प्रदेश में वोटिंग होनी है, वहां पर निकाय चुनाव चल रहे हैं, जिसमें जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, उन सब की वोटिंग 8 तारीख को होनी है। एक तरफ जहां बीजेपी की रैली खाली है, कुर्सियां खाली पड़ी है, भीड़ तक नहीं आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बीएसपी की रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है। जी हां, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, उन्होंने कल ग्वालियर में और तमाम जगह पर जो वार्ड लेवल की मीटिंग थी वहां पर उन्होंने मुलाकात की, दौरा किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ी है। तो ये आने वाले आगामी विधानसभा में सभा के सीधे संकेत हैं कि किस तरीके से इस बार बहुजन समाज एकजुट है। वहीं मध्य प्रदेश में दूसरी तरफ खबरें आ रही है, मध्य प्रदेश में जो ओबीसी महासभा ने आंदोलन चलाया था उसका नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो जनरल सीटें थी वहां पर ओबीसी के कैंडिडेट जीत कर आने लगे। आप समझिए कि वोट की ताकत क्या होती है। वहीं दूसरी तरफ 27% जो ओबीसी आरक्षण है उसको खत्म कर दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो सरकारें हैं किस तरीके से काम कर रही है। कभी नहीं चाहते कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर सशक्त हो। तो आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की किस तरीके से फजीहत हो रही है, लोगों का मोह भंग हो चुका है, लेकिन फिर भी ईवीएम में और इलेक्शन में धांधली कर ये लोग जीत जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये साफ साफ यूपी चुनाव में आपने देखा था। बड़े बड़े जो पूर्व चुनाव आयोग है, बड़े बड़े पार्टी के राजनेता है, अखिलेश यादव है, उन्होंने आरोप लगाया था, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि ईवीएम में गड़बड़ी कर ये लोग जीतते हैं। बिहार विधानसभा में भी यही हुआ था कि वहां पर भी इन लोगों ने गड़बड़ी की थी। जो आरजेडी के कैंडिडेट थे, जो जीत चुके थे, लेकिन उनमें वोटों का फर्क सिर्फ 200-300 का था, तो उसको बाद में बीजेपी को जिता दिया गया। जो रियलिटी होती है ग्राउंड पर वो ये होती है कि इनकी सभाओं में, इनकी रैलियों में भीड़ भी नहीं उमड़ती, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कैंडिडेट जीत जाते हैं। लेकिन अब हालात बदले हैं, जिस तरीके से खासकर मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा ने जो आंदोलन चलाया है, जो लोगों को जागरूक किया है, उसका नतीजा ये हुआ कि अब जनरल सीट से ओबीसी कैंडिडेट जीत कर आने लगे हैं।
तो ये वीडियो थी कि मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी की फजीहत हो रही है, वहां पर लोग उनको सुनने तक नहीं जा रहे हैं, लेकिन 8 तारीख को वोटिंग के बाद पता चलेगा क्या नतीजे आते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और बात है, हो सकता है कि निकाय चुनाव में इनकी ज्यादा सीटें ना निकले, क्योंकि बड़ी मछली फंसाने के लिए छोटी छोटी चीजें कुर्बान करनी पड़ती है। हो सकता है यहां पर ईवीएम टेम्परिंग ना हो, चुनाव में गड़बड़ी ना हो, बीजेपी के कैंडिडेट हारते हुए भी दिखे, लेकिन जब आने वाले विधानसभा होंगे तो उसमें साफ जाहिर हो जाएगा कि किस तरीके से चुनाव आयोग और लोकल प्रशासन मिलकर काम करता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।